बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली स्थित निजी फोन पर 12:01 पर फोन आता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि चिराग के खिलाफ आप उल्टा सीधा बोलते हैं, इसे बंद करिए नहीं तो हाजीपुर घुसने नहीं देंगे, कालिक पोतेंगे। और यह फोन आने के बाद राजनीतिक महकमे में हड़कंप मच गई है। हालांकि यह दिल्ली में फोन आया है, दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है, दिल्ली पुलिस जांच में लग गई है, साइबर सेल में चला गया है यह मामला। साइबर सेल जाँच करी कि किस नंबर से फोन आई है, लेकिन फोन आने के बाद पशुपति पारस डरे हुए। आपको बता दें कि बिहार के राजनीति में हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस में कई बार नोकझोंक देखने को मिला है और उसी नोकझोंक को लेकर अब इसका फायदा कोई और उठा रहा है। बताया जा रहा है कि जब फोन आया तो पशुपति पारस उस समय डर गए थे। बताया जा रहा था कि हाजीपुर उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ खबर में जरा जानिए। बड़ी खबर राजनीति महकमे से आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली में निजी फोन पर करीब 12:00 उन्हें धमकी दी गई है। कहा गया है कि धमकी देने वाले ने फोन पर कहा है कि आप चिराग पासवान के खिलाफ बोलते हैं, आपको हाजीपुर घुसने नहीं देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, कालिक तक पोत देंगे। पशुपति पारस ने कहा कि किसका हाथ है इन सब के पीछे, ये तो सब जानते ही हैं। मेरे केंद्र में मंत्री बनने से पहले कई को जलन है। एक दूसरे जगह का सांसद मेरे हाजीपुर आता है और कहता है कि यह मेरे कर्म भूमि है, चिराग को जलन है। वही पशुपति पारस ने यह भी कहा कि अगर ऐसा होता है और मेरी खुशी से किसी को जलन है तो वह कुछ भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पटना।